चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं गांव अधिकारियों की खबरें। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ ग्राम पंचायत में 8 बिजड़ी को जिला परिषद की ओर से खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्राम मीणा ने पंचायत 8 बिजड़ी के सरपंच रंजीत सिंह व सचिव वेद प्रकाश स्वामी को खुले में शौच से मुक्त क्षेत्र के ओडीएफ प्रमाण पत्र प्रदान किए। बारा की छबड़ा पंचायत समिति में नगर पालिका क्षेत्र में विकास के नाम पर लाखों रुपए की लागत से कराए जा रहे निर्माण कार्यों में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग हो रहा है। इसी तरह सोमवार को हिलव्यू रोड पर घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग पर पालिका द्वारा मात्र कुछ मीटर रोड उखड़वाकर खानापूर्ति की गई। नागौर के पर्वतसर में पॉलीग्राफी टेस्ट की परमिशन की अर्जी लगाई। जंजीला डबल ब्लाइंड मर्डर में संदिग्ध का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने की परमिशन मांगी गई। डीएसपी अमरजीत सिंह बेदी ने एसीजीएम कोर्ट में इसकी अर्जी लगाई। बूंदी के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र के सांवलपुरा गांव में किसानों से चिटफंड कंपनी के नाम पर फर्जी रसीद देकर 60,000 की राशि हड़प कर दिसंबर 2015 में बिहार के 3 लोग फरार हो गए थे, जिसका मामला तालेड़ा थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश करने पर आरोपियों को न्यायिक अवरक्षा में भेज दिया। हिंडोली पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत खेरकटा के गोपालपुरा गांव में जाने वाले रास्ते पर उड़ैत कमर को तहसील प्रशासन ने हटा दिया। तहसीलदार कालूलाल जांगिड़ ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर गोपालपुरा पहुंचे और देखा कि रास्ते में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने अतिक्रमण किया हुआ था, जिसे बहाल कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में बांसिन कस्बे में साध्वी चिन्मय भारती, दर्शिता भारती, मोहिनी भारती के सानिध्य में चल रही 3 दिवसीय प्रवचन भजन संकीर्तन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें भारती ने कहा कि सत्य की कभी भीड़ नहीं होती और भीड़ तो भेड़ चाल होती है। संत कभी चमत्कार नहीं करते। इंसान को लाख पापी मिले कोई बात नहीं, निगुरा व्यक्ति नहीं मिलना चाहिए। भरतपुर के वैर में मौसमी बीमारियों का प्रकोप जारी है। निजी लैब के साथ झूला छाप डॉक्टर मरीजों से खिलवाड़ कर रहे हैं। रजिस्टर्ड लैब संचालक के पास बिना डॉक्टर के जांच की जा रही है। टोंक के उनियारा के बनेठा में आयोजित भामाशाह शिविर का जिला प्रभारी सचिव रोली सिंह एवं जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद शर्मा ने निरीक्षण किया। पीएससी बनेठा राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अन्नपूर्णा भंडार का भी निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चूरू के रतनगढ़ में अज्ञात चोरों ने 3 घरों में सेंध लगाई। वार्ड संख्या 35 व 2 में 3 घरों में चोरी हुई है। सोने व चांदी के आभूषण सहित नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया। लाखों रुपए का सामान व ज्वेलरी की चोरी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के केकड़ी में अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बस स्टैंड बुकिंग काउंटर के पास शव पड़ा मिला। केकड़ी पुलिस ने शव मोर्चे में रखवा दिया। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दौसा के मेवा में अवैध खनन से पहाड़ खोखले हो गए हैं। चेकड़ा बुराना पहाड़ी के पहाड़ों में खनन किया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों को मिली भगत की आशंका है। वहीं घरों में भी दरारें अब होने लगी हैं। सिरोही के शिवगंज में मनरेगा जॉब कार्ड आधार पर बैंक खातों से जुड़ेंगे, जिसके चलते जॉब कार्ड सत्यापन का अभियान चलाया जाएगा और ग्राम सेवक व रोजगार सहायक घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। कोटा के इटावा में कालीसिंध नदी पर बनाया निकट क्षतिग्रस्त होने से पानी व्यर्थ बह रहा है। बारिश के दिनों में लबालब भरा था निकट। प्रशासनिक अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोटा के खैराबाद के चेचट कस्बे में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। इसमें 2000 बच्चे शामिल हुए। झालावाड़ के मनोहर थाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व विधायक कैलाश मीणा के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और बिजली की बढ़ी दरें और फसल मुआवजे की मांग की गई। दौसा के बांदीकुई में नगर पालिका की 5 दुकानों के गुपचुप तरीके से कोड़ियों के भाव बेचे जाने और एसटी करवाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की। दौसा के सिकराय में गीजगढ़ कस्बे में नीम हकीम झूला छाप डॉक्टरों की भरमार के चलते एक दर्जन से अधिक झूला छाप डॉक्टरों ने क्लिनिक खोल रखे हैं और अप्रशिक्षित डॉक्टर धड़ल्ले से उपचार कर रहे हैं। भरतपुर के रूपवास में व्यापारियों की बैठक विधायक बच्चू सिंह वंशीवाल के नेतृत्व में आयोजित हुई। बैठक में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जब्त किए सामान को वापस करने की मांग की गई, जिसके चलते विधायक एवं व्यापारियों ने पैदल मार्च के जरिए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। टोंक के देवली में दूनी कृषि मंडी में सदस्यों का मनोनयन रुका हुआ है। कृषि मंत्री की सूची को मुख्यमंत्री ने रुकवाया है। मंत्री विधायक में सदस्यों को लेकर मतभेद है। आरोप है कि प्रभुलाल सैनी मनमर्जी कर रहे थे, जिस पर विधायक राजेंद्र गुर्जर ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। हनुमानगढ़ के रावस्थल कस्बे में लंबे समय से चल रहे जीएसएस बनवाने की मांग को लेकर सभी ग्रामीण एकत्रित होकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसके चलते चेतावनी भी दी कि अगर 2 महीने के अंदर जीएसएस बनाने का कार्य शुरू नहीं होता है तो वो बड़ा धरना शुरू कर देंगे।
हनुमानगढ़ के भादरा में ग्राम भिरानी बस स्टैंड पर भामाशाह रामेश्वरलाल काकड़ बलवान सिंह काकड़ की ओर से स्वर्गीय बुधराम काकड़ की स्मृति में 1.5 लाख रुपए की लागत से बने वाटर कूलर शेड का लोकार्पण कर ग्रामीणों को सुपुर्द किया गया। हनुमानगढ़ के नोहर में वाणिज्य कर विभाग ने पटाखा व्यवसायी पर 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 2 साल पहले हुई सर्वे कार्रवाई में जांच के बाद विभाग की ओर से डिमांड नोटिस जारी कर व्यापारी को 1 माह में पेनल्टी राशि जमा कराने को कहा। चूरू के सुजानगढ़ में 3 मार्च 2016 को विदा से कस्बे में एक प्रॉपर्टी डीलर बाबूलाल पर हुई फायरिंग के मामले में हार्डकोर आरोपी देवी सिंह सहित 8 आरोपियों को बीकानेर जेल से यहां लाकर एडीजे कोर्ट में पेश किया गया। सिरोही के आबू रोड और आसपास के गांव में नवरात्र महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। जगह जगह पांडाल सजाए जा रहे हैं। सिरोही के रेवदर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत शांति भारत गैस सर्विस द्वारा अटल सेवा केंद्र मकावल में सरपंच खंगारा राम मेघवाल की अध्यक्षता में 27 BPL परिवारों को गैस कनेक्शन वितरित किए गए। अजमेर के पुष्कर में शिव चौक में 5 दिनों पूर्व दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी को लेकर शुरू हुआ विवाद आखिर आपसी समझाइश के बाद थम गया। इससे दो समाजों के बीच जाति संघर्ष के हालात भी टल गए। गत 21 सितंबर की रात को शहर के शिव चौक में मामूली कहासुनी को लेकर दो समाज के युवकों में विवाद हो गया तो दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई थी। अजमेर के किशनगढ़ में वार्ड 4 की पार्षद माया जैन ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन देकर वार्ड में बिजली के पोल से खतरा बताते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। ज्ञापन में जैन ने बताया कि वार्ड में 4 पोल ऐसे हैं जिनमें करंट चालू रहता है जिससे हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। चौक के मालपुरा में कलेक्टर के निर्देश अनुसार उपखंड प्रशासन द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर रेफरल अस्पताल में आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। चौक की निवाई पंचायत समिति प्रधान चंद्रकला गुर्जर की अध्यक्षता में स्वच्छता जागरूकता अभियान को लेकर पंचायत समिति सभागार में बैठक आयोजित हुई। प्रधान गुर्जर ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में टीम भावना से ग्रामीणों को शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित करें। कोटा के लाड़पुरा में कसार गांव में हाड़ौती कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मैच में करियर पॉइंट और जाखोड़ा के बीच खेला गया जिसमें जाखोड़ा विजेता रहा। दूसरे मैच में कसार व फाटाखेड़ा के बीच मुकाबला हुआ जिसमें फाटाखेड़ा गांव की टीम विजेता रही। झालावाड़ के खानपुर कस्बे में खाना बनाते समय साड़ी में आग लगने से वायता झुलस गई जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसे प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया। बाड़मेर के बायतू में जिला पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला के निर्देशन पर पुलिस थाना बायतू में थाना अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में पुलिस मित्र मंडल गठन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। थानाधिकारी ने सेवानिवृत्त सैनिकों को संबोधित करते हुए बताया कि उड़ी में हुए आतंकवादी हमले के बाद जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर पुलिस मित्र मंडल का गठन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के राशमी में नेकी की दीवार आत्मसंतोष प्राप्ति का बेहतर जरिया है। कस्बे के अम्बेडकर बस स्टैंड पर स्वर्गीय श्रीमती बादाम देवी पोखरणा चैरिटेबल ट्रस्ट आराध्य के द्वारा नेकी की दीवार बनाई गई है। नेकी की दीवार का उद्घाटन स्थानीय विधायक अर्जुनलाल जीनगर व एसडीएम रागनी डामोर ने किया। उन्होंने इस नवाचार की सराहना करते हुए इसे मॉडल के रूप में अपनाने से अन्य शहरों में भी प्रारंभ करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि एक अच्छी विचारधारा है, इससे जरूरतमंद व बेसहारा लोगों की मदद हो सकेगी तो वहीं सक्षम लोग भी अपनी गैर जरूरी सामान यहां प्रदान कर आत्मसंतोष प्राप्त कर सकेंगे। बाड़मेर के बालोतरा में खेड़ रोड स्थित भीमराज गोलचा राजकीय माध्यमिक विद्यालय संस्था प्रधान के खिलाफ शिकायत पर पूर्व में सील किए गए स्कूल परिसर के कक्ष की जांच करने मंगलवार को जांच कमेटी की टीम पहुंची। संस्था प्रधान के खिलाफ की गई शिकायत पर 19 जुलाई को उपखंड अधिकारी उदय भानचारण ने कार्रवाई करते हुए कॉमन रूम सील कर दिया था। जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ने कमेटी गठित की। कमेटी को 3 महीने में जिला शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट सौंपनी है। भीलवाड़ा के फूलिया गला में गाय की टक्कर से एक की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। यह हादसा बाइक फिसलने से हुआ, मृतक यूपी का रहने वाला है। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।